अगर आप शुक्रवार व्रत कथा करते हैं तो शुक्रवार के दिन इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता जी प्रसन्न होती है। तो आइए शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती थी खाने के लिए। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आँखों से न देखो मान नहीं सकते। पत्नी ने हंस करके कहा, देख लो तब मान जाओगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ करके रसोई में जा करके सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, ग्रहण करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाइयों का भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थाली में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और 1 लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, तेरा भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठ करके भोजन कर लो। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो जाना, क्या आज ही चले जाओ। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ। यह कह करके वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जा कर के वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर के बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा कि काम दे करके तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। उसे साहूकार ने यह नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह इतना काम कैसे कर लेता है। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देख कर के प्रसन्न हो गया और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदारी बना दी दुकान में। परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए। वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़ कर के बाहर तीर्थ करने चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाते थे, उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों को आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बना करके रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था उसकी पत्नी को। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर के पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसको करने के क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा करके कहोगी तो मैं भी इस व्रत को करूँगी, बड़ा एहसान मानूंगी आप सभी की। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी माता आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाती है, शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है और गरीब को धन मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही घर लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है और मुकदमा चल रहा होता है तो खत्म हो जाता है, अलह क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जजाज का लाभ होता है तथा और भी मन की जो भी कामना होती है सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले,
हर शुक्रवार को निहार कर रह करके कथा निराहार रह करके कथा सुनना चाहिए। इसके कम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे जल के पात्र को रख करके कथा सुनना चाहिए, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। तीन मास में माता तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी, फल प्रदान करेगी। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता एक वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल कर देती है, ग्रह शांत हो जाते हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बना करके 8 बच्चों को भोजन करवाएं। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना न भूले। अगर ये न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसी के लड़के बुला लेना, उन्हें भोजन करा देना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर के वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ से बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर आ गया, माता के चरणों में जाकर के लेट गई। मंदिर बिन करने लगी, मंदिर में जाकर कि माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता मेरी दुख दरिद्रता दूर कीजिए, तेरी शरण में मैं आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी उसके पास आ गया। यह देख करके जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिन बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काफी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काफी ही खातिर बढ़ गई, अब तो काफी बुलाने से भी नहीं बोलती। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर के आंखों में आंसू भर करके संतोषी माता के मंदिर में जाकर के ईश्वरी के चरणों में गिर करके रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मैंने तुझसे पैसा मांगकर क्या करूँगी, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तथा माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी जल्दी ही आ जाएंगे। यह सुनकर खुशी से बावली हो गई और वह घर जाकर के काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट बहुत ही उठा रही है। बोला, हाँ माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब मुझे ही रखना है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप ही कोई राह दिखा दीजिए, जैसा आप कहें वैसा मैं करूँ। ने लगी सवेरे माने आया, सवेरे नहा धोकर के संतोषी माता का नाम ले, घीपा का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा, उसने एक मित्र बंधु परिचित से स्वप्न के बारे में माता द्वारा कही गई बात को सुनाया। वे सब उसकी बात सुनकर के उसकी खिली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी का सच्ची होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच का झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर के नहा धो करके उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर दीपक ला करके दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम लेकर के प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट करके अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों को 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर के पास रख और तीसरा अपने सिर पर रख, तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर के मोह पैदा होगा। यह वह
नाश्ता पानी बना खा करके माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा करके जाना और बीच बीच चौक में गड्ढा डाल करके तीन आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़िया का गट्टा ले आई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, ऐसा कहना। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कह करके प्रसन्न होकर के लकड़ियों के तीन बोझ बनाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर लें और भोजन बना करके खा पी करके गाँव चले। और भोजन पर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आई। उसने गट्टा को आंगन में डाला, जोर से तीन आवाज़ें दी, लो सासू जी लकड़ी की गड्डी ले आई, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर के सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा करके कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर के उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से ये सारे गांव में जा कर के भटकती फिरती रहती है, कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर के खाना खाती है, अब तुझे देख करके भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़ी में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कह करके माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोल करके सारा सामान जमाया, एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बना लिया। अब कहा क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह अपनी की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देख रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर भरपेट खा करके खाई, परंतु याद आई कि कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देख करके अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, उसने उन्हें पैसे दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर के उन पैसों से इमली खरीद लाई और खाई। यह देख करके बहू पर माता जी क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तूने यह क्या कर दिया, हंसा करके क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भुला डाला है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे। वह मंदिर से निकल करके बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर के बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ खटाई खाने को दो। या बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना है तो खीर खाओ, पूड़ी खाओ, नहीं तो उठ करके चले जाने पर चले जाओ। उनके कहने पर उठ करके उन्होंने चले गए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लड़कों को बुला करके भोजन कराया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को लेकर के वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों नहीं मैं ही इसके घर पर चलूँ, इसका आश्रय तो देखूँ, आस्था तो देखूँ कि मुझ में कितना इसका विश्वास है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान ओठ
उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रही। दलहीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे कौन चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर के दूध पीते बच्चे के गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भर करके बोली, अरे रान इसे देख करके कैसी उतावली होती है, जो बच्चे को फटक कर फेंक करके जा रही है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। यह बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता जी है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए, सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माँ मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया था, हे माता आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। यह कथा सुनने से कहने से सबका मनोरथ पूर्ण होता है, सब बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है, गरीबी दूर हो जाती है। धन्यवाद।